अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय गाइस, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज का जो जॉब है बहुत बेहतरीन जॉब है, और वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर मुझे डायरेक्ट मैसेज मत कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखना है। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर मुझे मैसेज मत कीजिएगा, क्यों तो अगर आप डायरेक्ट थंबनेल देखकर मुझे मैसेज करोगे उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है आपको पता नहीं चलेगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर वक्त नहीं है तो वक्त निकाल कर आप इत्मीनान से बैठ कर देख लीजिएगा, लास्ट तक देखना है वीडियो को। डॉक्यूमेंट्स क्या देना है, कितने साल का वीज़ा रहेगा और कौन सी कंट्री है और किस जगह काम रहेगा, तो ये वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। जो नए मेरे व्यूअर्स आए हुए हैं मेरे चैनल के ऊपर, तो अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का जो बटन है प्रेस कर ऑल पर रखना है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो देखकर वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हो। और दूसरा ये है कि डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं डाल दूंगा व्हाट्सअप ग्रुप, उसको फॉलो करना है, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल ग्रुप है, उसको फॉलो करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। और मैं चला जो बंदा 05 के अंदर जा सकता है, रिटर्नर भी जा सकता है, फ्रेशर भी जा सकता है, और ACR ACNR दोनों पासपोर्ट होल्डर इसके अंदर एक सब रहेगा। तो ये काम रहेगा सऊदी अरब के अंदर, अर्जेंट रिक्वायरमेंट फॉर सऊदी अरब काम रहेगा, मैंगो फार्मर लेबर का काम रहेगा, यानी कि अपने ज़ुबान के अंदर जो आम की बाग है उसके अंदर काम रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है भाई, ठीक है। तो काम रहेगा जो फार्म है मैंगो का, जो आम उसको बोलते हैं आम, ठीक है। आम के अंदर आपको काम करना है। अब काम क्या है, काम रहेगा वहाँ पर झाड़ों को पौधों को पानी देना है और उसको छटाई करना है, और तो वहाँ की जितने भी काम हैं जैसे कि पानी वगैरह खाद देना है और फवारनी करना है, एवरीथिंग जितना भी काम रहेगा वो काम करना पड़ेगा। तो काम रहेगा ये रहेगा सऊदी अरब के अंदर, किधर भी लगा सकता है, रियाद के अंदर भी लगा सकता है, मक्का सिटी के साइड में लगा सकता है। तो जहाँ भी आपको बोले वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ काम करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो को अभी देखना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर डायरेक्ट मुझे मैसेज करते हैं कि सर मुझे इस जॉब के लिए जाना है, तो प्लीज़ अब चाहे आप जो है इत्मीनान से वीडियो को देख लेना है, और जहाँ मैं बोल रहा हूँ अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन लेकर ही आगे जाना है आपको, ठीक है। तो मैंगो फार्म लेबर के अंदर आपको कंपनी सैलरी दे रही है, वो दे रही है 1200 रियाल कंपनी आपको सैलरी दे रही है। क्या दे रही, 1200 रियाल आपको कंपनी सैलरी दे रही है, प्लस OT है। इसके अंदर जो एज है, एज रहेगी 21 से लेकर 35 तक बंदा एलिए जा सकता है, 21 से लेकर 35 तक बंदा एलिए जा सकता है। ड्यूटी है प्लस ओवर टाइम है, 2 घंटे का ओवर टाइम रहेगा इसके अंदर, बंदा फ्रेशर भी चलेगा और रिटर्नर भी चलेगा, ठीक है। इसके अंदर कोई लैंग्वेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना पढ़ाई का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। काम हार्ड है, थोड़ा बहुत हार्ड है, देखो काम तो हार्ड रहता है, जो एसी के अंदर बैठ के काम करता है उसको भी हार्ड है, क्यों तो उसको बैठना रहता है वहाँ पर, और जो काम कर रहा है वो भी हार्ड है। देखो इंसान जो यहाँ से काम करने वाला बंदा ही, जो यहाँ पर सुकून का ज़िंदगी गुजार रहा है और मुझे जाना है और वहाँ पर लाइफ अच्छी होगी, भाई दुबई की लाइफ जो है बड़े बड़े इमारत देखकर नहीं भाई, वहाँ की छोटी लेबर लाइफ आप देख लेना यूट्यूब पर जाकर। कुछ बंदे दुबई का नाम सुन के यार मुझे जाना है, भाई आसान नहीं है दुबई जाना, सऊदी जाना, बहरीन जाना, इंसान की मजबूरी वहाँ पर लेके जाती है। तो इसलिए आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और जो सोच लीजिएगा, जो मजबूर बंदे वही जाइए भाई, जिसकी लाइफ अच्छी है इंडिया में रहिए। 1200 रियाल सैलरी कंपनी दे रही है, एज 21 से लेकर 35 तक बंदा ले जा सकता है, 8 घंटे का ड्यूटी है, प्लस ओवर टाइम रहेगा। इसके अंदर पासपोर्ट ACR ACNR दोनों पासपोर्ट होल्डर एक सब रहेंगे। अब डॉक्यूमेंट देना है, पासपोर्ट का बैग और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोज, वाइट बैकग्राउंड में एक ही PDF फाइल में देना है। अब इंटरेस्ट बात यह है कि ये वीज़ा रहेगा 1 ईयर का, 1 साल का वीज़ा रहेगा, और इसके अंदर बंदा वहाँ पर जाकर आपको खुद का एक्सपीरियंस करना चाह रहा है सऊदी में जाकर कि भाई वहाँ पर कैसी लाइफ है,
तो आप जा सकते हैं इस जॉब के लिए। इस जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मुझे डॉक्यूमेंट देना है, पासपोर्ट का फ्रंट बैक और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट व्हाइट बैकग्राउंड में एक ही पीडीएफ फाइल में देना है और एक रिज्यूम लिखना है। रिज्यूम के अंदर एज अ मैंगो फार्मर लेबर वहाँ पर लिखना है कैटेगरीज के अंदर, ठीक है। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट लेना है, आप मुझे पीडीएफ बनाकर सेंड करना है। ऐसे हैं कि फोटो खींचकर उनको बोल बोल कर समझ में नहीं आता है, तो आप प्लीज़ वहाँ पर जाइए, जो फोटोशॉप है, जो कंप्यूटर वाला बंदा है वहाँ पर जाइए, उसको बोलो, बोलिए कि सर मुझे रिज्यूम बनाइए और वन पीडीएफ में बनाइए, फुल डॉक्यूमेंट्स एक ही पीडीएफ में देना, जैसे कि पासपोर्ट का फ्रंट बैक और जो COVID-19 का सर्टिफिकेट है उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटोज़ व्हाइट बैकग्राउंड में चाहिए और आपका एक रिज्यूम चाहिए। ये चार कैटेगरीज के जो डॉक्यूमेंट्स डालना है और मुझे सेंड करना है। और वीडियो को इत्मीनान से बैठ कर देख लीजिएगा। और इस यूट्यूब के ऊपर जो है यूरोप की भी जॉब आते हैं, हज उम्रे की भी जॉब आते हैं, माशाल्लाह उम्रा जो करते हैं लोग, विजिट वीज़ा का भी काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है मेरे पास। और देखो हर चीज़ मैं बता दिया, फिर टाइटल और थंबनेल देखकर डायरेक्ट मुझे मैसेज मत कीजिएगा, वीडियो इत्मीनान से देख लीजिएगा, उसके अंदर आपको इस वीडियो के अंदर हर इन्फॉर्मेशन है। वीडियो को इत्मीनान से बैठकर देखना है, उसके बाद मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करना है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सर्विस चार्ज कितना है, उसके बाद आगे का आपका प्रोसेस होगा स्टेप बाय स्टेप, जो भी है हर चीज़ बता दिया जाएगा व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। वीज़ा एक साल का रहेगा, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमाज की पाबंदी, कुरान शरीफ की तिलावत ज़रूर करें और अल्लाह के रास्ते में 30 दिन 40 दिन अल्लाह के राह में लगाइए। काम अल्लाह के रास्ते में जाना है, अच्छाई की दावत देना है, बुराई से रोकना है। नमाज सबसे पहले अल्लाह, कल कयामत के दिन सबसे पहले हदीस का मफहूम है, अल्लाह सबसे पहले कयामत के दिन नमाज का हिसाब पूछेगा। जिसकी नमाज अच्छी निकल आएगी उसकी बाकी सारे अमाल अच्छी निकल आएंगे, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कमेंट और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमाज की पाबंदी, कुरान शरीफ की तिलावत जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।